अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कनाडा कितनी बड़ी ताकत है। कनाडा की सबसे बड़ी ताकत उसका महले वकू यानी उसका जुग्राफिया है। कनाडा इतनी बड़ी ताकत है कि उसके जनूब और शुमाल में दो बड़ी ताकतें मौजूद हैं, यानी बर्फ और सुपर पावर अमेरिका। कनाडा पर हमला जनूब से इसलिए नहीं हो सकता कि वहां सुपर पावर अमेरिका है, जबकि शुमाल से उस पर हमला इसलिए नहीं हो सकता कि वहां बर्फ ही बर्फ है। रूस के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अमेरिका के साथ कनाडा के बहुत ही मिसाली ताल्लुकात हैं। कनाडा पर मशरिक से हमला इसलिए नहीं हो सकता कि वहां हजारों मील फैला एक समंदर है, जबकि कनाडा पर मगरिब से हमला इसलिए नहीं हो सकता कि वहां एक बार फिर अलास्का की सूरत में अमरीकी रियासत कनाडा के लिए स्ट्रेटजिक डेप्थ का काम करती है। कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसके मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और दोनों ममालिक उसका मिलकर भरपूर जवाब देंगे, जबकि कनाडा की फौज सिर्फ और सिर्फ 13,000 है, जबकि कनाडा की असलहा और जंगी महारत की बुनियाद पर कनाडा दुनिया की 20वीं बड़ी ताकत तसव्वुर किया जाता है। मईशत के लिहाज से देखें तो कनाडा की मईशत $1.53 trillion के साथ दुनिया की 14वीं बड़ी ताकत है। ये बात दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खायर कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा की मईशत की बहुत बड़ी ताकत उसकी आयोस्पेस टेक्नोलॉजीज भी हैं। कनाडा की मईशत को जो सहारा और मिलता है वो है कारों की कंपनियां। कनाडा में दुनिया की बड़ी बड़ी कारों की कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से कनाडा की मईशत को और तकवीयत मिलती है। मुख्तसरन ये कि कनाडा इतनी बड़ी ताकत तो नहीं है कि वो किसी भी मुल्क पर कब्जा कर सके, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कनाडा के ताल्लुकात दुनिया के दीगर ममालिक के साथ इतने अच्छे हैं कि वो अपनी साख पर ज़रा बराबर आँच भी नहीं आने देते।